हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन बोर्ड। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ मीठा स्पेशल, क्योंकि त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो क्यों ना हम कुछ बनाएं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पुडिंग। देखिए, मैंने बनाई है ब्रेड पुडिंग, बहुत इजी रेसिपी है, तो प्लीज चलिए मेरे साथ किचन में, हम बना लेते हैं ब्रेड पुडिंग। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पुडिंग। हमने ली है, 3 पीसेस लिए हैं मैंने ब्रेड के। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, मैंने लिया है इलायची पाउडर। ये मैंने लिया है 1/2 kg, मैंने लिया है दूध। ये मैंने लिया है ग्रेटेड कोकोनट, ये लिया है, ये मैंने गार्निश के लिए लिया है और थोड़ा सा मैं बीच में डालूंगी। ये मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट, जिसमें से सिर्फ मैंने बादाम और पिस्ता लिए हैं। ये मैंने लिए है शक्कर, जो हमारे पास शक्कर होती है, इसे हम डेकोरेट करेंगे, ये जरूर डालिएगा आप इसमें। ये मैंने लिए हैं रोज पेटल्स, ये मैंने लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आपके पास हैं तो आप डालिएगा। 1/4 कप ली है मैंने चीनी। तो अब हम ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं, हम इसको थिक करने के लिए दूध को, तो हम सिर्फ ब्रेड डालेंगे इसको, हम ना बेकिंग पाउडर डालेंगे ना कॉर्नफ्लोर डालेंगे, जिससे ये दूध थिक होगा, हम इस ब्रेड के साथ इसको थिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाउल रख दिया है, तो अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। मैंने दूध डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, बॉयल आना शुरू हो गया है। तो ये देखिए, ये मैंने ब्रेड ली है, इसके मैंने ऐसे ऐसे पीस कर लिए हैं, इसको ऐसे तोड़ लिया है मैंने, तो मैं बाकी ये सारी डाल दूंगी। इसके जो साइड्स हैं मैंने देखे, वो नहीं कट किए हैं, ये मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, तो सारी ब्रेड में इसके अंदर डाल दूंगी। सारी ब्रेड मैंने डाल दी है, तो अब हम इसको, ये इसी में मैश हो जाती है, हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी नीचे हो नहीं जाएगी, जब तक, और दूध इसका जब तक थिक नहीं हो जाएगा, ये पूरी ब्रेड इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तब तक हम इसको ऐसे ही करेंगे। मैंने ली है वाइट ब्रेड, आप इसमें ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, उससे कलर ब्राउन आता है, तो मैंने ली है वाइट ब्रेड। बस हम इसको ऐसे ही हिलाते जाएंगे, मैंने रखी है फ्लेम मीडियम। देखिए फ्रेंड्स, थिक होना शुरू हो गया है, ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। अब हम इसके इसमें ही डाल देंगे ये इलायची पाउडर, ये जो इलायची पाउडर था ये डाल रही हूं मैं, साथ में ही डाल रही हूं मैं ये चीनी, और साथ ही मैं डाल रही हूं ग्रेटेड कोकोनट, ये मैं डाल रही हूं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैं डाल रही हूं इसमें। अब हम इन सबको कर लेंगे मिक्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी रेडी, ये देखिए हमें कितनी थिक हो गई है ये, इसमें चीनी भी मिक्स हो गई है, सारा कुछ इसमें कोकोनट पाउडर, इलायची, सबका फ्लेवर आ चुका है। तो अब हम इसकी फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, ये हम ऐसे डाल देंगे। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश करूंगी ये कोकोनट पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप इसको जरूर डालें इसमें। ये देखिए, ये डाला मैंने, अब मैं इसके ऊपर ये डाल दूंगी ये शक्कर, ये तो जरूर डालनी है आपने। जब ये आप बाइट लेंगे इसकी, तो इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, शक्कर का आता है और साथ में ये इसका कोकोनट का आता है, बहुत यमी लगता है ये। और साथ में हम ये डाल देंगे ऊपर से ड्राई फ्रूट। देखिए फ्रेंड्स, लग रही है ना रॉयल सी, कितनी इजी इजी रेसिपीज लेकर आती हूँ मैं आपके सामने। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम ये डाल देंगे रोज पेटल्स, जो ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी यमी सी हमारी ये डेजर्ट तैयार हो गया है आपके लिए, बहुत अच्छा बनता है। आप मेरे कहने पे एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको बहुत बनाती हूँ। तो अब मैं इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ, हमने फ्रीजर में नहीं रखना, अब मैं इसको रखूंगी फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए मैं रखूंगी, तो उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रिज में से निकाल ली है, देखिए कितनी अच्छी बनी है ये हमारी पुडिंग, ये देखें आप, आपको मैं कट करके दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। देखिए इसको ऐसे साइड से लेकर, ये देखें कितनी अच्छी ये आई है,
देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी ये बनी है हमारी। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।